नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज बर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक बर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। नगरपालिका आजमगढ़ यू के खिलाफ सभासदों का जोरदार प्रदर्शन। नगरपालिका अध्यक्ष ने सभासदों के प्रदर्शन का किया समर्थन। बता दें कि नगरपालिका परिषद आजमगढ़ ईओ मनोज कुमार सिंह के खिलाफ सभासदों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ईओ पर तानाशाही और मनमानी करने का आरोप लगाते हुए सभासदों ने ईओ कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। सभासद संघ के जिलाध्यक्ष पुनीत राय ने बताया कि ईओ लगातार सभासदों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे ईओ को निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही ईओ पर कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया। कहा कि सभासदों का धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक ईओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाता। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष सर राज आलम ने सभासदों की बातों का समर्थन करते हुए कहा कि ये गलत है, सभासदों को जनता चुनकर भेजती है, वे अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, जबकि ईओ साहब के पास जाते ही न जाने क्यों वो नाराज हो जाते हैं। धन्यवाद है कि आश्वासन मिला सर। जैसा कि आपने बतौर नगर पालिका अध्यक्ष जो नियमावली के तहत मेरी जो जिम्मेदारी है आपके समक्ष सारी बात हुई है, आपने सुनाई है, तो जो नियम कहता है उसका पालन किया जाएगा। नियमों से ऊपर कोई न मैं हूँ न कोई है, कोई कुछ नहीं, जो नियम कहता वो करेंगे। आखिर लगातार ईओ द्वारा इन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सभासदों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें क्या कह रहे हैं? गलत है। आदरणीय मेंबर साहब लोग हमारे या जो भी अपने अपने क्षेत्रों से जितने भी सम्मानित लोग चुनकर आते हैं, क्यों चुनकर आते हैं? अपने अपने वार्ड के दुख सुख की चीजों को ला के अवगत कराने मेरे पास आते हैं, मैं तो बहुत स्वागत करता हूं लोगों का। कोई अगर एक आदरणीय मेंबर साहब हमारे कह दें कि कभी चेयरमैन ने अगर कोई बात सुनने और समझने में कोई कोताही की हो तो बता दें, वही आर्डर जब अधिकारी महोदय के यहाँ जाता है तो फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि क्यों नाराज हो जाते हैं। ये सवाल तो उनसे पूछने का है, इसी बात के लिए तो सारे लोग जानने के लिए एकत्रित हुए। तो अब क्या करेंगे आप? अब जो नियम कहता है वो किया जाएगा, बोर्ड की बैठक होने जा रही है। क्या नाम है? वीरेंद्र यादव, सभासद सरफुद्दीनपुर, वार्ड नंबर 17। अच्छा, किस मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है यहाँ पे सफाई कर्मचारी और नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है ईओ साहब जो है आज कई महीनों पिछले कई महीनों से नहीं दिए हैं, ये बेचारे परेशान हैं जो है, और लगातार सभासदों को उत्पीड़न किया जा रहा है। ज्यादा हम लोग अगर अपने सभी माननीय सभासदों की कोई भी समस्या कोई भी चीज लेके ईओ साहब के आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है ईओ द्वारा और उनको डांट के भगा दिया जाता है, ये इनका व्यवहार है जो ईओ साहब का। अगर अपने हम लोग अपनी जनता की समस्या लेकर इनके पास आते हैं तो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है और इनके पास जो चाहते ठेकेदार हैं उनका पेमेंट ये कर देते हैं, तब इनके पास कहां से बजट उपलब्ध हो जाता है जो है। हम लोग आज यही सब कई मुद्दे पे लेकर इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं बोर्ड की बैठक में। अब अभी हम लोग की एक बजे से बोर्ड की बैठक है, उसमें भी ईओ के खिलाफ हम लोग जो है किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम पुनीत राम है, सभासद संघ का जिलाध्यक्ष। अच्छा, किस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हमारे कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इनकी तनख्वाह को रोका गया है, विगत 7 महीनों से छोटे कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग से यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह को नहीं दिया जा रहा है, और जो कर्मचारी सरकारी या संविदा के रिटायर्ड हो गए उनके पीएफ फंड और ग्रेच्युटी के लिए मोटी रकम मांग के उनको परेशान किया जा रहा है। तो क्या आप लोग कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारा ईओ चोर है, वो तो कमीशन खोर है और अमानवीय व्यवहार का है, वो सभासद चेयरमैन कर्मचारी किसी को कुछ समझता नहीं है, ऐसे ईओ को निलंबित करना चाहिए और पूरे जनपद में इस मानसिकता के जो भी कर्मचारी उनका बहिष्कार होना चाहिए, और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक कि ऐसे कर्मचारी के ऊपर कोई कार्रवाई न हो।